सोनभद्र में पिछले 10 दिनों से अज्ञात बीमारी का कहर ग्रामीण क्षेत्रों में जारी है। अभी तक म्योरपुर विकास खंड के सैंदूर मकरा ग्राम पंचायत में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में यहां मासूम समेत 2 लोगों की मौत हुई। प्राइवेट लैब की जांच में मृतकों के मलेरिया ग्रसित होने की बात सामने आई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग मलेरिया से मौत से इनकार कर रहा है। जब मीडिया की टीम गांव में पहुंची तो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में म्योरपुर CHC की टीम दवा और जांच किट लेकर गांव में कैंप करने पहुंच गई। 10 दिन में 14 मौतें होने के बाद भी जिले का स्वास्थ्य महकमा अनजान बना हुआ था। अब जिलाधिकारी ने गांव का दौरा कर स्वास्थ्य विभाग को सख्त चेतावनी देते हुए गांव में कैंप करने और बीमारी पर जल्द से जल्द अंकुश लगाने का आदेश दिया है। स्थानीय ग्रामीण अंकुश दुबे के अनुसार लगातार हो रही मौतों के बाद ग्रामीण दहशत में है। ग्रामीणों की मौत की मुख्य वजह मच्छर के काटने से मलेरिया और टाइफाइड है। स्वास्थ्य महकमे की ओर से किया जा रहा प्रयास नाकाफी है। पहले भी उनके यहाँ कभी भी मच्छर रोधी दवा का छिड़काव नहीं किया गया जिससे उन्हें मच्छरों से निजात मिल सके। क्योंकि इन मौतों का मुख्य कारण है यहाँ इंफेक्शन का होना और मलेरिया का होना, और स्वास्थ्य सुविधा चिकित्सा सुविधा के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। चिकित्सा के अभाव में और जो भी मलेरिया रोधी मच्छर रोधी कार्यक्रम है वो नहीं हो रहे हैं। अभी यहाँ पे ब्लीचिंग का केवल छिड़काव किया जा रहा है। इससे पहले शनिवार को CMO ने गांव में पहुंचकर स्थिति नियंत्रण में होने का दावा किया था। वहीं कल हुई 2 मौतों के बाद जिला अधिकारी टीके वाशु ने दौरा कर स्वास्थ्य विभाग को सख्त निर्देश दिया। CMO नेम सिंह ने दावा किया था कि नए मलेरिया और डेंगू पॉजिटिव रोगी नहीं मिले। ऐसे में एक बार फिर मौतों के कारण CMO के दावे की हवा निकल गई। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम मीडिया की वजह से दिख रही है। गांव में किसी भी चीज की सुविधा नहीं है, मलेरिया या अन्य दवाइयों की उपलब्धता भी नहीं है। सरकारी अस्पताल में कोई दवा नहीं मिलती जिसकी वजह से प्राइवेट डॉक्टरों के यहाँ जाना पड़ता है। एम्बुलेंस या डॉक्टर बुलाने या खोजने के बाद भी नहीं दिखते हैं। मच्छर काट दे रहे हैं सर, दवा छिड़काव नहीं हुआ है। अच्छा, कुछ पानी होने की कमी? पानी तो एकदम खराब है। एक हैंड पंप है, उसका पाइप ये सड़ गया है, लाल पाइप से निकलता है। क्या कर? हाँ, यहाँ जो बर्ड नहीं है ना, तो सब मलेरिया टाइफाइड बीमारी हो तो हम लोगों को पता नहीं है सर कैसे होता है। सरकारी में जाते दवा काम नहीं किया, प्राइवेट में गए मर गए। कोई कैंप नहीं लगा है, कोई सुविधा नहीं। हम लोग अपने सुविधा से कहीं भी जा के इलाज करा रहे हैं, जो बच रहे हैं मर जा रहे हैं। वहीं इस मामले में म्योरपुर CSC के डॉक्टर लालजी राम का कहना है कि गांव में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर स्थिति नियंत्रण में लाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवा दी जा रही है, मच्छर रोधी दवा का छिड़काव भी कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गांव के पानी में फ्लोराइड, नदी और कुएं का खुला पानी पीने से लोग बीमार हो रहे हैं। हम लोग जांच कर गांव के लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग 15 तारीख से जब से घटना घटी है, वहाँ 15/11/2021 से लगातार हम लोग कैंप कर रहे हैं गांव-गांव टोला जाकर। वहाँ पर अधिकतर देखा गया है कि प्रदूषित पानी पी रहे हैं और बहुत काफ़ी संख्या में एनीमिक हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग तो तब से लगातार अपना कैंप कर रहा है ना, दवा दे रहा है, जाँच कर रहा है। सोनभद्र से जनहित टाइम्स के लिए मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट।